इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। पहले महाराज दशरथ के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ, जो कि सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के हिसाब से इन्हें पृथ्वी पर श्रेष्ठ तपस्वियों में से एक माना गया है। दूसरे राजा कौशिक, इन्हीं को आगे चलकर महर्षि विश्वामित्र के नाम से जाना गया। विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय थे, उन्हें राजा कौशिक के नाम से जाना जाता था। राजा कौशिक कुशनाथ के पोते और महाराज गधी के पुत्र थे। पौराणिक कथाओं में उनका वर्णन बहुत ही कुशल और सौम्य शासक के रूप में मिलता है। बहुत समय पहले की बात है, महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम में अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। कहा जाता है कि महर्षि के ऊपर हमेशा से देवताओं की कृपा थी। यही वजह थी कि उन्हें देवताओं के द्वारा नंदिनी गाय भेंट स्वरूप मिली थी। इस गाय में कई विशेषताएं थीं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये जहाँ भी रहेगी वहाँ से कोई भी कभी भूखा नहीं जाएगा। इसके स्तनों के नीचे आने वाला खाली पात्र कभी भी खाली नहीं रहेगा। इस गाय को अक्षय भंडार की स्वामिनी भी कहा जाता था। उस समय किसी भी ऋषि मुनि के पास ऐसी गाय नहीं थी। उस दिन सूरज की लालिमा को देखकर ही महर्षि वशिष्ठ ने यह कह दिया था कि आज कोई खास उनकी कुटिया में आने वाला है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। राजा कौशिक अपनी विशाल सेना के साथ मुनि के आश्रम में पधार गए। महर्षि वशिष्ठ को मालूम था कि राजा कौशिक ब्राह्मणों का काफ़ी ज़्यादा सम्मान करते हैं, इसीलिए उन्होंने खुद राजा कौशिक की देखभाल का जिम्मा अपने कंधों में ले लिया। राजा कौशिक को मालूम था कि महर्षि का आश्रम बहुत छोटा सा है, इसलिए उन्हें महर्षि से किसी खास अवभगत की उम्मीद नहीं थी। लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने खुद राजा कौशिक और उनकी सेना की बहुत अच्छे से अवभगत की। सभी सैनिकों का अच्छे से अच्छा ख्याल रखा, उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। ये देखकर राजा कौशिक अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में अन्नपूर्णा का वास नजर आने लगा। राजा कौशिक टहलने के लिए जंगलों की तरफ निकल गए। टहलते वक्त उन्होंने सोचा कि अच्छे से अच्छे राजघरानों में भी तुरंत इतने लोगों के खाने का इंतजाम करने में व्यवस्थापक के पसीने छूट जाते हैं। महर्षि ने अचानक पहुंचे लोगों का कितने अच्छे तरीके से स्वागत किया। मुझे महर्षि से पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया। इसके बाद जंगल से लौटने के बाद राजा कौशिक ने संकोचवश महर्षि वशिष्ठ से सवाल किया कि हे मुनिवर, इतनी छोटी सी जगह होते हुए भी आपने इतनी बड़ी सेना के भोजन का इंतजाम कैसे कर लिया। इसके जवाब में महर्षि ने कहा कि उनके पास अद्भुत शक्ति वाली एक गाय है जिसका नाम नंदिनी है। वो स्वर्ग में रहने वाली कामधेनु गाय की पुत्री है। इसके पास ऐसी शक्तियाँ हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाला कोई भी इंसान कभी भूखा नहीं जा सकता। इसकी शक्तियों से लाखों लोगों का भरण पोषण किया जा सकता है। मुझे यह गाय देवताओं ने भेंट स्वरूप प्रदान की है। नंदिनी गाय की महिमा सुनकर राजा कौशिक के मन में लोभ की भावना पैदा हो गई। उन्होंने उस गाय को देखने की इच्छा जाहिर की। महर्षि वशिष्ठ ने भी उनकी इस इच्छा की पूर्ति की। महर्षि राजा कौशिक को नंदिनी गाय के सामने लेकर गए। इसके बाद महर्षि ने नंदिनी से कहा कि हे देवी कामधेनु, आज तुम फिर से मेरे वचन की रक्षा करो और राजा को अतिथि मान इसके खाने का प्रबंध करो। ऋषि वशिष्ठ नंदिनी गाय से इस प्रकार बात कर रहे थे जैसे वो भंडार गृह के कुशल अधिकारी से बात कर रहे हों। ये सब देखकर राजा कौशिक को काफ़ी आश्चर्य भी हो रहा था। इसके बाद नंदिनी ने राजा कौशिक के सामने शीश झुकाया और जैसे ही उसने अपनी गर्दन ऊपर की, कई सारे व्यंजन राजा कौशिक के सामने पेश हो गए, जिन्हें देखने के बाद ही राजा कौशिक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उनके अंदर लालच का भाव भी आ गया। उनके मन में ये ख्याल आया कि इस गाय की असली जगह मेरे राजमहल में है, मुझे नंदिनी गाय किसी भी कीमत में चाहिए। राजा कौशिक ने महर्षि वशिष्ठ से नंदिनी गाय उन्हें देने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि इसके बदले में उन्हें जितनी कीमत चाहिए वो उन्हें देंगे। महर्षि वशिष्ठ ने बड़ी विनम्रता के साथ राजा का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद राजा कौशिक ने नंदिनी गाय के बदले 1,00,000 गाय देने का प्रस्ताव भी रखा। ऋषि वशिष्ठ को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि राजा कौशिक उनके सामने ऐसा प्रस्ताव रखेंगे। ऋषि वशिष्ठ ने राजा कौशिक को जवाब दिया कि मैं 1,00,000 या 1,00,00,000 गाय लेकर भी इस गाय को नहीं दे सकता। आपको पता होना चाहिए कि ये मुझे भेंट में मिली है और मैं इसे दान नहीं कर सकता। ऋषि वशिष्ठ को ऐसा महसूस हो गया कि राजा कौशिक को अपमान महसूस हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा कि हे राजन, हम आपकी प्रजा हैं और आपके अधीन रहते हैं। राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होता है, उनसे मांगना नहीं। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से मैं नंदिनी गाय आपको नहीं दे सकता। हो सके तो मुझे क्षमा करें। ऋषि वशिष्ठ की बातें राजा कौशिक को छलवा लग रही थी। कहा जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि।
कुछ ऐसा ही राजा कौशिक के साथ भी हो रहा था। उनके अंदर लालच का भाव इतना अधिक हो गया कि उन्हें कुछ भी सही गलत नजर आना बंद हो गया। फिर उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मुझे किसी भी हालत में ये नंदिनी गाय चाहिए। इसके लिए अगर तुम्हें महर्षि पर आक्रमण करना पड़े तो वो भी करो, इन्हें बंदी बना लो, लेकिन मुझे ये गाय लाकर दो। राजा कौशिक को ये बात मालूम नहीं थी कि नंदिनी गाय के पास भी दिव्य शक्तियाँ थीं। वो वशिष्ठ की आज्ञा के बाद किसी को भी पराजित कर सकती थी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। राजा कौशिक ने सैनिकों के साथ मिलकर हमला तो कर दिया, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा कौशिक की इस हरकत के बाद उनके एक पुत्र को छोड़कर सभी को मृत्यु का श्राप दे दिया। इसके बाद राजा कौशिक महल की तरफ निकल गए। वहां पहुंचने के बाद धीरे धीरे उनके एक पुत्र को छोड़कर सभी की मृत्यु हो गई। राजा कौशिक के अंदर बदले की भावना जाग उठी। उन्हें किसी भी हालत में महर्षि वशिष्ठ से बदला लेना था। इसके लिए उन्होंने राजपाट अपने पुत्र को सौंपा और खुद जंगल की तरफ प्रस्थान कर गए। वहां जाकर उन्होंने कई साल तक शिव की तपस्या की। शिव जी राजा की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। राजा कौशिक ने शिव जी से कई सारे दिव्यास्त्र मांगे। शिव जी ने उनकी मनोकामना पूरी की और उन्हें कई दिव्यास्त्रों का स्वामी बना दिया। दिव्यास्त्र मिलने के बाद राजा कौशिक को अभिमान हो गया। उन्हें पुरानी बातें याद आने लगी। उनके मन में लालच आया कि इन शक्तियों की मदद से वो महर्षि वशिष्ठ को परास्त करके नंदिनी गाय को हासिल कर सकते हैं। उन्होंने महर्षि की तरफ रुख किया और उनके ऊपर फिर से आक्रमण कर दिया। लेकिन महर्षि वशिष्ठ के पास भी कई सारी दिव्य शक्तियाँ थीं। उन्होंने अपनी बुद्धि और दिव्य शक्तियों की मदद से राजा वशिष्ठ की शक्तियों को खत्म कर दिया। राजा कौशिक की हरकतों से आहत होकर महर्षि ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। इससे पूरी धरती पर संकट का खतरा पैदा हो गया। सभी देवों के आग्रह के बाद वशिष्ठ का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। दूसरी ओर राजा कौशिक को ये एहसास हो चुका था कि वो सारी शक्तियों के बाद भी साधना से अर्जित की गई शक्तियों से नहीं जीत सकते। कितना भी शक्तिशाली और पराक्रमी राजा क्यों न हो, सिद्धि से प्राप्त शक्ति के सामने वह कुछ भी नहीं। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि जीवन में लालच सबसे बुरी चीज है। इससे इंसान की आत्मा खत्म हो जाती है। उसे सही और गलत के बीच का अंतर समझ में नहीं आता। इसीलिए लालच करने से बेहतर है खुद को काबिल बनाए, जैसा कि महर्षि वशिष्ठ ने किया था। देवताओं ने उनकी काबिलियत की वजह से ही उन्हें नंदिनी गाय भेंट स्वरूप दी थी। दूसरी बार भी वशिष्ठ से हार के चलते राजा कौशिक को गहरा आघात लगता है और वो मान लेते हैं कि बाहरी ताकत और इंसानी अहम योग शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। इसके बाद राजा कौशिक तप और एकांत शिक्षा की बदौलत ऋषि वशिष्ठ से श्रेष्ठ बनने का प्रण लेते हैं। वो दक्षिण दिशा की ओर चले जाते हैं, जहां वो अन्न त्याग कर जीवन बिताते हुए कठोर तपस्या करते हैं, जिससे उन्हें राजत्री पद मिल जाता है। लेकिन उन्हें फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती। कौशिक ब्रह्मऋषि बनने की इच्छा पूरी करने के लिए फिर तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस बार वो कठिन से कठिन सांस रोककर तपस्या करते हैं। जब उनके शरीर का तेज सूर्य के समान चमकने लगता है तो उन्हें अपने क्रोध पर भी विजय मिल जाती है। उनकी चाहत और मेहनत को देख ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मऋषि का पद दिया। और यही वो दौर था जब विश्वामित्र को ब्रह्मा जी से ओम का ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। इतनी कठिन तपस्या और दृढ़ निश्चय के बाद महर्षि वशिष्ठ जी ने भी उन्हें माफ कर दिया और उन्हें ऋषि के रूप में स्वीकार कर लिया। और इस तरह राजा कौशिक महर्षि विश्वामित्र के रूप में प्रसिद्ध हुए और उचित मान सम्मान भी हासिल किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि संतोष से बड़ा धन कभी अर्जित नहीं किया जा सकता, और लालच से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती। अगर ये बीमारी एक बार लग जाए तो पूरा जीवन खराब हो सकता है। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है हम शांत रहकर ज्ञान अर्जित करें। स्वयं को जीतने में ही जीवन का असली आनंद छिपा है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।